तो भाई लोग इसी के साथ ये बंदा भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। और भाई इसको तो लास्ट तक ये पता ही नहीं चला कि इसे कहाँ से गोलियाँ पड़ रही है और मैं इसको मार कहाँ से रहा हूँ। फ्रेंड्स, दरअसल मैं इस पत्थर के अंदर घुस गया था ग्लिच करके, और इसके अंदर से ही मैंने इस बंदे को मारा है, जो कि ये फैक्ट्री के पास पत्थर है। ये अंदर से बिल्कुल खोखला है, आप चाहो तो इसके अंदर जा सकते हो, बड़े ईजिली जा सकते हो, लेकिन इसके अंदर कैसे जाना है, कैसे इसके अंदर ग्लिच करना है, ये सारी चीज़ सारे डिटेल A to Z मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता दूँगा, जिसके बाद आपको कोई भी देख नहीं पाएगा बाहर से, और ना ही आपको बाहर से कोई मार पाएगा, लेकिन आप अंदर से सबको बाहर मार पाओगे। तो कैसे करते हैं ग्लिच, चलिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बस आपको बने रहना लास्ट तक हमारे इस वीडियो में बिना स्किप किए हुए। और फ्रेंड्स, दिल से रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो भाई लोग, कैसे हो, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वाइटी। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं PUBG Lite से रिलेटेड एक और न्यू इंटरेस्टिंग और दिलचस्प वीडियो में, और इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम PUBG Lite के अंदर फैक्ट्री के पास जो एक पत्थर पड़ा होता है, जो अब जब हम नीचे गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक पत्थर पड़ा होता है, हम उस पत्थर के अंदर कैसे जाएं, पत्थर के अंदर कैसे ग्लिच करें। फ्रेंड्स, हम चाहे तो उस पत्थर के अंदर काफ़ी आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि पत्थर अंदर से बिल्कुल खोखली है, और भाई वो पत्थर ऐसी जगह बना है कि जब भी कोई नीचे गाड़ी लेने आएगा बड़ी इजीली आप उसको मार पाओगे। सिर्फ इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर वहाँ पे लास्ट जोन भी बनता तो भाई आसपास आप दूर दूर के बंदे उसके अंदर पत्थर के अंदर घुस के आप मार पाओगे, कोई भी आपको देख नहीं पाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहना, स्टेप बाई स्टेप आप मेरा हर बात को फॉलो करना, तभी आप उस ग्लिच के अंदर जा पाओगे, वरना नहीं जा पाओगे। तो इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना और अच्छे से वीडियो को एक करके देखो। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि भाई अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, मेरे पड़ोस में भी कई शादियां हो रही है, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा माइक में बाहर का बैंड बाजे का आवाज़ आ सकता है, बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा आएगा आपको, तो प्लीज़ यार एडजस्ट कर लेना, इसके लिए आई एम सॉरी। तो चलिए अब वीडियो पर आते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, ऐसा कि जब भी प्लेन फैक्ट्री से जाता है तो फैक्ट्री पर बहुत सारे बंदे आते हैं, तो भी आप उन बंदों को मार सकते हो इस ग्लिच के जरिए। और अगर लास्ट जोन यहाँ पे बनता है और अगर आप इस पत्थर के अंदर चले गए तो आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो भाई कैसे हम इस पत्थर के अंदर जा सकते हैं, कैसे हमें ये ग्लिच करना है, ये मैं अब आपको बताऊंगा, तो ज़रा ध्यान से सुनना। देखो, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आप इस पत्थर के पास आइए और यहाँ पर देखें तो जैसे आप यहाँ पर बैठोगे थोड़ा सा झुक के देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप आपको दिखाई देगा, तो आप देख रहे हो थोड़ा सा यहाँ पर खाली जैसा, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको यहाँ पर लेट जाना है और लेटते हुए जितना हो सके उतना अंदर जाने की कोशिश करो, ठीक है, जितना हो सके इस खोखले जगह पे जाने की कोशिश करो, इस खाली जगह पे जितना हो सके उतना अंदर जाओ। उसके बाद फिर आप अपना जो है बैकपैक जो है ओपन करना और उस पर जो है स्केट बोर्ड का यूज का बटन है वो दबा देना, फिर आप जैसे ही दबाओगे तो आप आधा अपने आप को पत्थर के अंदर घुसा हुआ पाओगे, जैसे कि अभी मुझे आप देख सकते हो, लेकिन इतने से भी काम नहीं होगा। उसके बाद आपको अपने स्केट बोर्ड को आगे की ओर स्लाइड करना, ठीक है, आगे की ओर स्लाइड करना, तो जैसे ही थोड़ा सा आगे की ओर स्लाइड करोगे तो आप बिल्कुल पत्थर के मिडिल में आ जाओगे, बिल्कुल बीचों बीच। और हाँ, मैं बता दूं कि ये एक बार में नहीं होगा, कई बार करना होगा तब जाके होगा, और आप देख सकते हो कि मैं बिल्कुल पत्थर के अंदर मिडिल में आ चुका हूँ, और जैसे ही बीच पे आप आ जाइएगा तो आप एग्जिट का बटन दबा दीजिए, आप आराम से पत्थर के अंदर देखिए, बिल्कुल बूम गाइस, आप पत्थर के अंदर बीचों बीच आ चुके हो, चारों तरफ से कवर है और कोई भी अब आपको देख नहीं पाएगा, लेकिन हाँ आप सबको देख पाओगे। आप देख सकते हो भाई, आप अंदर से बाहर का नज़ारा देखो कितना ओपी वाला लग रहा है, आप दूर दूर के बंदे मार सकते हो, यहाँ तक कि ऊपर लिफ्ट में अगर कोई बंदा है तो वहाँ भी मार सकते हो, अगर आपके पास स्नाइपर है या सिक्स सिक्स है तो आप मार सकते हो, यहाँ तक कि लिफ्ट के ऊपर वो तार पे लोग चढ़ जाते हैं, आप वहाँ के भी बंदे मार सकते हो, लास्ट जोन में लोग ऐसा करते हैं अगर यहाँ पे लास्ट जोन बनता है तो। फिर आप जो है नीचे उतरने वाले, नीचे जो कंटेनर के पास उतरेंगे वहाँ के भी बंदे मार सकते हो, सिर्फ इतना ही नहीं, फैक्ट्री के ऊपर अगर बंदे उतरते हैं लूटपाट करके अगर वो नीचे आते हैं तो यहाँ से जैसे ही गाड़ी लेने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ भी बंदे को मार पाओगे, और भाई बंदा हो जाएगा पूरी तरह से पागल, उसको समझ में नहीं आएगा कि भाई गोलियाँ कहाँ से पड़ी। और मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करता हूँ फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ, ऊपर जाता हूँ और ऊपर जो गाड़ी लगी रहती है उसके सारे टायर मैंने फोड़ दिए, ठीक है, सारे टायर मैंने फोड़ दिए, वापस आता हूँ और इस पत्थर के अंदर ग्लिच करके मैं फिर से घुस जाता हूँ, और अब देखो एक बंदा यहाँ पर आता है, और भाई इस बंदे को पता ही नहीं चल रहा कि आखिर इसको गोलियाँ पड़ कहाँ से रही है। और आप देख सकते हो इसकी पेटी यहाँ पे बन गई। तो भाई इस तरह से काफ़ी आसानी से आप इस पत्थर के अंदर जा सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब इसके अंदर से बाहर कैसे निकलना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस आगे की ओर दौड़ जाइए, बाहर निकल जाओगे, तो इस तरह से आप काफ़ी आसानी से बाहर भी निकल सकते हो। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी,
वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, आपको और कैसी कैसी वीडियो चाहिए, कौन कौन से ग्लिच पे वीडियो चाहिए, वो सजेशन में भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही मेहनत से मैंने बनाई, तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट ज़रूर कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग और दिलचस्प वीडियो आती रहती है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले नेक्स्ट किसी और दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू गाइज़।